हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। एनर्जी सेक्टर हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एनर्जी सेक्टर ना सिर्फ हमारे व्हीकल्स को मूवमेंट दे रहा होता है, बल्कि हमारे लिए कई और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और बहुत सारे ऐसी चीजें कर रहा होता है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये केवल और केवल इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी रियल लाइफ को ड्राइव कर रहा होता है, और इस कारण से हमें एनर्जी सेक्टर को फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनर्जी सेक्टर की ओर ध्यान दें तो एनर्जी सेक्टर में जो मेनली आज की डेट में इंडिया प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है कोयले के द्वारा, यानी कोल के द्वारा। कोल सेक्टर से हमें नियर अबाउट 50-60% एनर्जी की प्रोडक्शन हम लोग कर पा रहे होते हैं। ये हालांकि बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि कोल से जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उस एनर्जी के कारण से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूट हो रहा होता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर एक नया कदम निकाला, और उसके लिए हम लोगों ने कई सारी इनिशिएटिव्स लिए। इस इनिशिएटिव में हम लोगों ने सोलर पावर प्लांट, हम लोगों ने वाटर के जो भी स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बायोमास, और हम लोगों ने विंड एनर्जी के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने अपना एक लक्ष्य रखा। हम लोगों ने टारगेट निर्धारित किया 175 गीगावाट का। हालांकि कई सारी स्कीम लगाई जा चुकी हैं, चलाई जा चुकी हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के द्वारा, लेकिन कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से इस इन्वायरमेंट डे पे 5 जून को मिनिस्ट्री वापस से एक नए स्कीम को लेकर के आ रही है, और इस स्कीम का नाम है आई कॉमेट। इस स्कीम के बारे में हम लोग इस पूरे सेशन में देखेंगे डिटेल्ड वर्जन में। स्टार्ट करने से पहले अगेन ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारी। इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड और टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोग देखें आई कॉमेट के बारे में, तो आई कॉमेट लॉन्च की गई है 5 जनवरी को, और ये इनिशिएटिव लिया गया है EESL के द्वारा, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, जो कि एक PSU होती है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में। आई कॉमेट इनिशिएटिव बेसिकली जितने भी हमारे एनर्जी रिजिलियंट स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोगों ने कदम उठाए हैं, जो भी एक्शंस लिए हैं, बेसिकली उन्हीं को ये सेंटर कर रही होती है, उन्हीं के ऊपर ये ध्यान रख रही होती है, उसी को फोकस कर रही होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिजिलियंस ऑफ आवर न्यू इंडिया, क्योंकि आगे जा करके हमें यही वो सोर्सेज होंगे जिस पे हम रिलायड होंगे, जिस पे हम डिपेंडेंट हो रहे होंगे। इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए स्टेक होल्डर और इंडिविजुअल, इन दोनों को आपस में मिलाया गया है। कहा गया है कि आप दोनों लोग मिल करके हैंड टू हैंड ओनली कैन गो एंड मेक द कंट्री मोर सस्टेनेबल एंड मोर रोबस्ट टुवर्ड्स द एनर्जी सिस्टम इन द नियर फ्यूचर। The prereq for this goal is to create a flexible and agile power system. काफी important होगा इस power system को create करना, क्योंकि एक healthy power sector ही हमारे nation की जो objective है, मतलब कि जो excess energy का चाहिए और जो security चाहिए, वो काफी important हो जाती है। और ये power sector ही, ये renewable energy की तरफ जितने भी projects हम लोगों ने लगाए हैं, यही केवल और केवल हमें आगे जाकर के energy security provide कर सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चला के रखी हुई हैं, जैसे नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन हो गया, फेम इंडिया हो गया, जहां पर हम लोगों ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसके अलावा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, कुसुम स्कीम, अतुल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, और बहुत सारे स्कीम्स हम लोगों ने चला के रखे हैं। बट द ओनली थिंग इज कि हमें इन पे मॉनिटर करने की जरूरत है, हम लोगों को देखने की जरूरत है कि आखिर में ये स्कीम्स क्या कर रही हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो पूरी की पूरी ये जो आई कॉमेट स्कीम है, इस पूरे स्कीम में यही कहा गया है कि इनको मॉनिटर करना है, देखना है क्या कुछ यहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव है हमें वो अचीव करने के लिए और कितने माइलस्टोन्स हमें कवर करने होंगे। तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। बेस्ड ऑन दिस लेक्चर यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, discuss the initiative taken in energy sector for sustainable energy future of India. You can send your answer to us on these sources, जहां पर आप हमें Facebook पे भेज सकते हैं, Telegram और email कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई suggestion और feedback और query होती है, then you can also access to these social media sites. मिलते हैं अपने next video में, तब तक के लिए thank you so much.